Morning students, how are you? I am Jiten Kumar, your maths teacher. Today we are going to discuss class 5th topic maths circle. देखिए बेटा, सर्कल के बारे में आप हम लोग आज जानेंगे, ठीक है? सर्कल क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं क्या होता है सर्कल, ठीक है? सर्कल इज ए कर्व्ड क्लोज्ड कर्व फिगर विच इज ए इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जो उसके सेंटर से वो इक्विडिस्टेंस पे होता है. इट मीन्स कॉन्स्टेंट हमारी स्पीड होती है, सॉरी कॉन्स्टेंट हमारी डिस्टेंस होती है सेंटर से, ठीक है? तो इसे हम बोलते हैं क्या, सर्कल बोलते हैं. और ये जो पॉइंट होता है मिडिल में, इससे जो डिस्टेंस ये होगी कि डिस्टेंस ये होगी और इसकी डिस्टेंस ये होगी, ये क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस होगी. और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक. नेक्स्ट वन, अब देखिए सेंटर से और ये जो लेंथ ऑफ द बाउंड्री है, कर्व्ड जो पार्ट है वो, उस कर्व्ड पार्ट को सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बारे में जाने, सर्कमफेरेंस बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, ठीक. और सेंटर से सर्कमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है. जो ये हमारा सेंटर है, ये सर्कमफेरेंस है, तो सेंटर से सर्कमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है. इसके बाद आता है, नेक्स्ट में आता है डायमीटर. डायमीटर क्या होता है सर्कल का, अगर मैंने एक सर्कल ऐसे बनाया, इसका सेंटर ये दिया हुआ है, ठीक है, तो इसकी जो सर्कमफेरेंस की बाउंड्री हमारी को एंड टू एंड मिला दिया जाए, ठीक है, तो वो उसका क्या होता है, डायमीटर होता है. और डायमीटर क्या होता है, वो सेंटर से जाता है सर्कल के, ठीक. डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ये रेडियस का डबल होता है, क्योंकि ये इस मिड पॉइंट से, इसको ओ मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ओ से ए तक की जो डिस्टेंस होगी वही ओ से बी तक की डिस्टेंस होगी. इसका मतलब जो भी रेडियस होगी वो डायमीटर का हाफ होगी, ठीक है. अब हम लोग जानते हैं आगे सर कॉर्ड के बारे में, क्या होता है कॉर्ड. कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, देखिए ये सर्कल बना हुआ है, ये इसका सेंटर है, ठीक. ये जो डिस्टेंस हमारी होती है, बाउंड्री को मिला दिया जाता है, ये हमारी क्या होती है, कॉर्ड कहलाती है, ठीक है. जो सर्कमफेरेंस जो वन एंड टू अनदर एंड को मिला दिया जाता है वो कॉर्ड कहलाती है. और डायमीटर को हम लोग लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल बोला जाता है, कहते हैं, ठीक है. हम लोग डायमीटर को क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड हमारी क्या होती है, डायमीटर होती है. इसके बाद आता है बेटा हम लोग आर्क के बारे में. आर्क क्या होता है, एनी पार्ट ऑफ द सर्कल. सर्कल का कोई भी सर्कमफेरेंस वाला पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है. जैसे सपोज हमने ये ले लिया, सर्कल हमारा कंप्लीट ये है, इतना हमने ले लिया, ठीक है. एकदम डायग्राम बना के आपको बताते हैं, ठीक. ये बना है सर्कल, ये उसका सेंटर है. अब हमने पॉइंट ए ले लिया, पॉइंट बी ले लिया, और ये ए से बी तक की जो हमारी है, ये ऐसे कहेंगे, ये क्या हुआ, उसका आर्क कहलाता है, ठीक है. ये उसका आर्क हमारा होता है, ठीक. इसके बाद आता है हम लोग सेमी सर्कल के बारे में जानते हैं. एक सर्कल होता है कंप्लीट, सेमी मतलब आधा, उसका आधा पार्ट, ठीक है, तो वो हो जाएगा सेमी सर्कल. देखिए अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल का ये सेंटर है, उसकी ये डायमीटर है, डायमीटर यहाँ से रफ कर दिया जाए, तो ये जो पूरा पार्ट बना हुआ है ये हमारा क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल. इस फिगर को हम लोग क्या कहेंगे, सेमी सर्कल कहेंगे, ठीक है. तो हम लोगों ने जान लिया सर्कल्स के बारे में जो आपकी क्लास में है, ठीक है. अब हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है. तो देखिए सबसे पहले आता है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है. तो एरिया, सॉरी आपका जो इसमें दिया है, सर्कल ड्रा करना सीखते हैं. कैसे ड्रा करेंगे हम सर्कल को, अगर आपको पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 3 सेंटीमीटर की एक सर्कल की रेडियस को ड्रा करना है, रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कंपास ले लेंगे, पेंसिल लेंगे और स्केल ले लेंगे,
ठीक है, उसमें क्या करेंगे, जो स्केल हमारी होती है ऐसे दी हुई होती है, ठीक है, इसमें 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे करके बने होते हैं 15 तक, ठीक। तो यहाँ पर कितने सेंटीमीटर आपको लेने हैं, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बेटा स्टार्ट होता है 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो हमें 3 लेना है, तो आप कंपास घूमता है जिसे प्रकाल कहते हैं, ठीक है, यहाँ पॉइंट भी रखेंगे और कहाँ तक आर्क ले लेंगे, यहाँ तक की रेडियस ले लेंगे अपने कंपास में, और एक अपने जो पेपर पे पॉइंट पे रखेंगे और उसी पॉइंट फिक्स पॉइंट से उसको मूव करा देंगे आधे राउंडेड, इसके चारों तरफ ऐसे मूव करा देंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग सर्कल बनाना सीख गए। अब इसी के बाद अगर पॉइंट में कभी कभी आपको दे दिया जाता है कि सी नंबर जैसे दिया है कि रेडियस उसकी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, तो देखिए 3.5 कैसे मेजर करेंगे, तो 0 से लेकर 3 तक तो ले लिया हमने। अब इसमें क्या होता है, 10 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 3 से लेकर 4 तक के बीच में जो इस्तेमाल हमारे जो नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग में, वो 10 होते हैं। तो इसके आगे 3 के आगे 5 और काउंट करें, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट। तो यहाँ पर 3 कंप्लीट हो गया, 0.5 और लेना है, तो 3.5 यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपास रखेंगे और अपना एक रेडियस ले लेंगे, उस रेडियस का एक सर्कल क्या करेंगे, फिक्स पॉइंट से ऐसे पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ड्रा कैसे करेंगे सर्कल को। अब हम लोग सीखते हैं आगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में तो सारा डेफिनेशंस लिखनी है, डेफिनेशंस ऑफ द सेंटर, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफेरेंस, कॉर्ड और आर्क, मैंने आपको सबको बता दी, सारी चीजें बता दी है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर। देखिए डायमीटर ऑफ सर्कल दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी, देखिए रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, डायमीटर अपॉन 2 हो जाता है, और डायमीटर कितना दिया हमारा 4 बाई 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, कितनी, जो रेडियस होगी इस सर्कल की वो कितनी सेंटीमीटर होगी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट वन, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर हुज रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, जस्ट इसका उल्टा क्वेश्चन है, सेकेंड अपोजिट, ठीक है, रिवर्स क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखते हैं हम लोग, थर्ड वाले सारे ऐसे ही कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर हुज रेडियस गिवन, सेकेंड नंबर बी नंबर देखते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल दी हुई है 1.8 सेंटीमीटर, एक तो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ठीक है, 2 इंटू रेडियस कितनी है 1.8 18 2 36 3.6 सेंटीमीटर, क्या निकल गया है, डायमीटर उस सर्कल का। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।